जिन बच्चों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता उन्हें डेफिनेटली काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं, जिनको वेक्टर्स का हिसाब नहीं है उन्हें लॉज ऑफ मोशन डिफिकल्ट लगता है, जिनको वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन नहीं आती उनको रिलेटिव मोशन डिफिकल्ट लगता है, जिनको लॉगरिदम नहीं आता उन्हें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिफिकल्ट लगता है। सो एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अगर कोई भी बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो देर इज अ फिजिक्स सिलेबस है कि नहीं, और उस फिजिक्स सिलेबस में 6 यूनिट्स हैं, मैकेनिक्स थर्मल फिजिक्स जो हमारी क्लास 11th का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिक फिजिक्स ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास 12th फिजिक्स का पार्ट है। सो इन दिस वेरी स्मॉल वीडियो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि अगर कोई भी बच्चा जैसे कि मान लो नीट 2024 का एस्पायरेंट, ठीक है, या फिर नीट 2023 का एस्पायरेंट जो पहली बार अपीयर करता है, या फिर मैं बात कर सकती हूँ नीट 2023 एस्पायरेंट की जो एक बार दोबारा से ड्रॉप लेंगे और पूरी की पूरी फिजिक्स को दोबारा से करना चाहते हैं क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th, तो मैं इस टॉपिक इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ कि हर एक यूनिट से रिलेटेड या फिर एसोसिएटेड कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं, कि ये जो 5 मैथमेटिकल टूल्स तुम्हारे सिलेबस में है दे आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ योर फिजिक्स, एंड आई एज अ फिजिक्स एक्सपर्ट विल एडवाइज ऑल ऑफ यू कि सबसे पहले बिफोर यू बिगिन विद यूनिट, जैसे कि बिफोर यू बिगिन विद ऑप्टिक्स आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक्चुअली हैव अ वेरी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑन वेक्टोरिकल एडिशन एंड ट्रिगोनोमेट्री, बिकॉज ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें वेव ऑप्टिक्स में जाके दिखती है। या फिर मान लो अगर कोई भी बच्चा थर्मल फिजिक्स छोड़ दो क्योंकि वहां पर तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे कि मान लो कोई भी बच्चा मॉडर्न फिजिक्स शुरू करने वाले हैं, तो आई विल सजेस्ट एज अ फिजिक्स एक्सपर्ट कि सबसे पहले तुम लॉगरिदम करो एंड देन यू बिगिन विद द मॉडर्न फिजिक्स, ऑल्दो लॉगरिदम सिर्फ एक ही चैप्टर में कंसंट्रेटेड है मॉडर्न फिजिक्स के, विच इज न्यूक्लियर, ठीक है। तो मैंने अभी सामने स्क्रीन के ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने यूनिट वाइज फिजिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उनके आगे लिखे हुए कि कौन से वो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं जो तुम्हें डिटेलिंग में कंप्लीट सबसे पहले कर लेने चाहिए बिफोर यू एक्चुअली बिगिन विद द चैप्टर, ठीक है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ही इस YouTube चैनल के ऊपर ये सारी बेसिक मैथमेटिकल टूल जितने भी 5 के 5 हैं वो मैं बिल्कुल डिटेलिंग में कवर कराऊँ इसी YouTube चैनल के ऊपर, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ ऑल ऑफ यू आर परसुएसिव इनफ आई डेफिनेटली विल कम अप विद समथिंग, नॉट इंस्टेंटली बट इवेंचुअली ऑन दिस YouTube चैनल। सो डू सब्सक्राइब टू दिस YouTube चैनल एज वेल, एंड इन केस यू वॉन्ट दैट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ये जो स्लाइड है इसको डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स में क्या आ गया तुम्हारी काइनामेटिक्स फिर लॉज ऑफ मोशन, तो काइनामेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन में ही तुम्हें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स की, वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, एक वेक्टर की डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ किस तरीके से तीसरा वेक्टर बनाती है, वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें होनी होनी चाहिए वरना तुम काइनामेटिक्स नहीं कर पाओगे, लॉज ऑफ मोशन नहीं कर पाओगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दीस 3 चैप्टर्स बिकॉज इन्हीं 3 चैप्टर्स से हम लोग मैकेनिक्स शुरू करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अभी अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की और डिफरेंशिएशन की, तो ये दोनों भी ऐसे मैथमेटिकल टूल है जिनको डेफिनेटली बिफोर बिगिनिंग दीज चैप्टर्स ही कंप्लीट कर देना चाहिए एक एस्पायरेंट को। उसके बाद जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में से तुम एंट्री लोगे वर्क एनर्जी पावर में, तो वहां पर तुम्हें एक नए मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी विच इज इन दी वेक्टर्स विच इज एडिंग दी पैरेलल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स जिसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। फिर वर्क एनर्जी पावर से रोटेशनल मैकेनिक्स तक जाओगे तो तुम्हें एक और वेक्टर के मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी विच इज एक्चुअली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर जिनको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। फिर उसके बाद देन व्हेन यू मूव टू द ग्रेविटेशन यू वुड हैव एवरी टूल विच इज यू नो एवरी टूल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मास्टरी इन दैट चैप्टर यू ऑलरेडी वुड हैव मास्टर्ड जब तुम काइनेमैटिक्स से लेके ग्रेविटेशन तक पहुंचोगे, ठीक है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन तक जब पहुंचोगे ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट हो जाएगी काफी ज्यादा, बिकॉज इवन इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यू विल अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन लाइक एनीथिंग। फिर बाद में आ जाता है हमारा वेव्स, वेव्स में भी ट्रिगोनोमेट्री चाहिए होती है और थोड़ा सा वेक्टोरिकल एडिशन चाहिए होता है। बाकी ग्राफ्स एक ऐसा आई कैन से एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो हर एक यूनिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं से भी कुछ भी ग्राफ तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थर्मल फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस विच इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक
ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी में वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ, मैग्नेटिक फिजिक्स में सिर्फ वेक्टर्स और ट्रिगोनोमेट्री। इनफैक्ट ट्रिगोनोमेट्री तुम्हें सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए इस्तेमाल में आएगा, विच इज अल्टरनेटिंग करंट। फिर आ जाता है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के लिए कोई तुम्हें मैथमेटिकल टूल की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ वेरी बेसिक की साइन थीटा कैसे लिखते हैं, टैन थीटा कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा कैसे लिखते हैं, अगर उतना भी पता है यू आर गुड टू गो। उसके अलावा जैसे रे ऑप्टिक्स से वेव ऑप्टिक्स में एंटर करोगे तो वहां पर वेक्टोरिकल एडिशन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज देयर वी टॉक अबाउट सुपर पोजिशन, एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट सुपर पोजिशन द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स बिहेव्स एज वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेव्स बिहेव्स एज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स टू गेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो वो वेक्टोरिकल एडिशन वाले भी थोड़ी सी तुम लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सिर्फ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बस एक चैप्टर है न्यूक्लियाई जहाँ पर लॉगरिदम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो दीज आर दी प्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी यूनिट ऑफ द फिजिक्स। तो अगर इफ यू आर यू नो यू विल बी फॉर एग्जाम्पल यू आर एन ई 2023 एस्पायरेंट एंड यू विल बी रिविजिटिंग क्लास 11 चैप्टर्स, और यू आर जस्ट अबाउट टू बिगिन विद क्लास 12th चैप्टर जो जिसकी प्री रिक्वायरमेंट है मान लो वेक्टर्स, लेकिन तुम्हारा वेक्टर सही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वेक्टर तुम्हें टीचर नहीं कराएगा। अगर तुम क्लास 12th में आ चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले वेक्टर नहीं करवाया जाएगा, तो अगर तुम्हारा वेक्टर वीक है देन यू विल रिविजिट वेक्टर्स, यू विल स्ट्रेंथन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स एंड देन यू शुड यू नो प्रोसीड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिकॉज वहाँ पर बहुत जैसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बहुत जगह इस्तेमाल में आता है, बट अगेन दैट इज सिंपली वेक्टोरिकल एडिशन। इसीलिए सबसे पहले ये प्री रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करो, इन प्री रिक्वायरमेंट्स को मीट करो, एंड वंस यू हैव डन दैट ओनली देन यू शुड बिगिन विद द यूनिट। आई एम होपिंग कि ये जो वीडियो है सब बच्चों को यूजफुल लगी होगी, एंड यू ऑल कैन लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। ऑल ऑफ यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे। गुड बाय।